हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। आज हम बनाएंगे मेरी एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी सिंधी कड़ी। ये इतनी आसान और वर्सेटाइल डिश है कि जब आपको कुछ भी समझना है तो आप ये बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि आप इसमें अपनी मनपसंद सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो चलिए इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल, 5 टेबलस्पून बेसन, 2.5 टेबलस्पून इमली का पल्प, थोड़ा सा करी पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून अदरक बारीक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए सब्जियां देख लेते हैं। 2 आलू को इस तरह से लंबी पतली स्लाइसेस में काट लिया है। सहजन की फली यानी ड्रमस्टिक को थोड़ा सा छील के इस तरह से टुकड़े करके ले ली है। भिंडी के दोनों सिरे काट के इस तरह से साबुत ले ली है। 7 से 8 हरी मिर्च को स्लिट करके ले ली है। गवार की फली के भी दोनों सिरे काट के इसको साबुत ले ली है। वैसे तो आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, पर मैंने जो सब्जियां ली है वो सिंधी कड़ी के टेस्ट को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी, इसीलिए मैंने सिर्फ यही सब्जियां ली है। तो चलिए अब हम सब्जियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम आलू डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। आलू को फ्राई करते हुए हमें तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसी में ही सहजन की फलियां ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये फली को डालने के बाद भी हमें 2 से 2.5 मिनट हो चुकी है। ये आलू और फली दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के अलग से प्लेट में रख देंगे। अब हम उसी तेल में भिंडी डाल देंगे और उसे तकरीबन 3 मिनट तक शैलो फ्राई करेंगे। ये भिंडी को फ्राई करते हुए हमें 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गवार की फलियां डाल देंगे और इसे और 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये गवार की फली डालने के बाद भी 2 मिनट हो चुके हैं। भिंडी और फली दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के अलग से रखेंगे। सब्जियां शैलो फ्राई होने के बाद जो तेल बचा था हमने वही यूज कर लिया है। इसमें मैंने 2 साबुत लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना के हल्के से ब्राउन होने तक हम इसे सॉटे करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मेथी दाना ब्राउन होते ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून जितना बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में ही हम इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे और अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से सॉटे करेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जब तक के इसका रंग हल्का सा चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये कुछ देर बाद आप देख सकते हैं हमारा बेसन बहुत अच्छे से सिक चुका है। इसका रंग भी हल्का सा चेंज हो गया है और बेसन सिकने की खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 30 सेकंड तक सॉटे करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 4.5 कप मतलब 1 लीटर में थोड़ा सा कम पानी डाला है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये कड़ी उबलने लग गई है। अब हम इसमें शैलो फ्राई की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। अगर इस टाइम पे आप चाहो तो इसमें टमाटर भी काट के डाल सकते हैं।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक और उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये 10-12 मिनट के बाद अब हम इसमें 2.5 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प ऐड कर देंगे। खट्टा फिर भी आप अपने हिसाब से डालें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके और 3-4 मिनट तक पका लेंगे। इमली का पल्प डालने के बाद हमने इसको 3-4 मिनट तक उबाल लिया है। ये हमारी सिंधी कढ़ी बनके रेडी है। कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी लाजवाब सिंधी कढ़ी। इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।